अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रहे हैं जो बताते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई इफ योर फ्रेंड और लव्ड वन इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यू। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं, अगर आपका दोस्त होपलेस फील कर रहा है, नर्वस फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है, रो रहा है, रात को उनको नींद नहीं आ रही, उनकी भूख चली गई है, उनका मूड सही नहीं रह रहा है, दे आर डिप्रेस, दे आर होपलेस, दे आर वरिंग, दे आर ओवर थिंकिंग, दे हैव सुसाइडल थॉट्स, दूसरे लोग बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है ये सारी चीजें हो तभी किसी को मेंटल हेल्थ इश्यू। कोई लोग है ना बाहर से हेल्दी भी दिख सकते हैं, बाहर से दे आर क्रैकिंग जोक्स, बाहर से दे आर फनी, बाहर से एवरीथिंग इज फाइन, इट सीम्स फाइन, दे कुड बी सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिजीज। बट नाउ इट्स बिकम वेरी कंफ्यूजिंग ना, कि हमें पता कैसे चलेगा कि अगर बाहर से हंस रहे हैं तो भी डिप्रेशन है, दुखी है तो भी डिप्रेशन है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वो जानने के लिए ना हमें थोड़ा सा साइंस जानना पड़ेगा। साइंस ये है कि स्पेशली व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन, देयर इज एक्चुअली सम चेंजेस इन योर ब्रेन स्ट्रक्चर। तुम्हारे ब्रेन स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं। हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन करके जो तीन न्यूरोट्रांसमीटर है जो तुम्हें खुश रखते हैं, दे आर द हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनका लेवल कम हो जाता है। तो सिर्फ खुश रखना उनका काम नहीं है, स्पेशली जो सेरोटोनिन है वो तुम्हारी भूख, तुम्हारे नींद उनको भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा तुम्हारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस करके एक जगह है, वो उसकी साइज छोटी होती जाती है, और वो जो जगह है ना वो तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारी मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो जब तुम्हारा कोई दोस्त मेंटल हेल्थ कंडीशन से सफर कर रहा है ना, तो इट्स नॉट बाइनरी ब्लैक एंड व्हाइट, सैडनेस या हैप्पीनेस, होपलेसनेस या एक्साइटमेंट। कोई बंदा फुल ऑफ लाइफ होगा ना तभी भी प्रॉब्लम है, कोई बंदा पूरा सैड है ना तभी भी प्रॉब्लम है। इट कुड बी बिकॉज ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, जहां पे तुम कुछ मोमेंट में इतने मैनिक एक्साइटेड हो जा सकते हो कि यू फील लाइक एवरीथिंग इज गुड, लाइफ इज गुड, यू आर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड देयर आर डेज जहां पे तुम इतना डिप्रेस्ड हो कि सब कुछ खत्म हो गया। दिस कॉल्ड बाइपोलर, बट वी विल टॉक अबाउट बाइपोलर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वीडियो। पर अभी के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट दैट बाइनरी, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स नॉट देन एंड राइट, देयर इज वन थिंग व्हिच इज कॉमन एंड दैट इज चेंज इन बिहेवियर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले, दिस इज द मेन थिंग यू विल बी लुकिंग आउट फॉर। Let's say, तुम्हारा कोई दोस्त है जिसको खाना बड़ा पसंद है, जब भी तुम उनके साथ बात करते हो ना वो अपने खाने के, अपने डिनर या लंच के बारे में बात करे बगैर जा ही नहीं सकता। ब्रो मैंने आज हैदराबादी बिरयानी खाया, मैं ब्रो आज ये खाया, मैंने वो खाया, पर आप उसके साथ बात कर रहे हो एंड ही स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, इट्स अ साइन फॉर यू। अगर तुम्हारा दोस्त है जो 11 बजे रात को सो जाता है और 11 बजे के बाद तुम उसको कुछ भी बोल दो ना, वो बाहर नहीं आएगा घूमने के लिए, ठीक है, 11 बजे मेरा बत्ती गुम हो जाता है, आई कैन नॉट। पर इफ यू नोटिस कि वही दोस्त रात को 3-3, 4-4 बजे तक जाग रहा है और सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा है, रिगार्डलेस व्हाट, दैट्स अ बिहेवियर चेंज टू लुक आउट फॉर। अगर तुम्हारा दोस्त इट्स अ प्रॉपर इंट्रोवर्ट, वो पार्टी में जाके ना वाइन का ग्लास लेके कोने में बैठ जाके वो ऑब्जर्व करेगा लोगों, बट अचानक से वो कंप्लीटली ऑपोजिट, वो ग्लास लेके सबके साथ जाके यो व्हाट्सअप करके बातें कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, आई एम सेइंग इट्स अ बिहेवियर चेंज, लुक आउट फॉर दैट। एग्जांपल्स कुड बी मेनी, द रूट इज बिहेवियर चेंज, and that behavior change is happening because of the chemical locha of the neurotransmitters serotonin, dopamine and norepinephrine. So these are the different pointers you can use to identify whether if your friend is suffering from any sort of mental health issue or not. Abhi hai na social media pe bahut sare help wale posts chal rahe, especially Sushant Singh ki death ke baad, so many, but there are two groups. One group is just posting ki aapko kabhi bhi kisi se baat karne ki zarurat ho, main baitha hu, mere se baat karo, but then there are people jo unko criticize karne baithe कि ये लोग अपना फोन तो बंद रखते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में तो उठाते नहीं है, और अभी बड़े बन के निकले हैं कि लोगों की हेल्प करें। मैं बोल रहा हूँ दोनों सही है। अगर कोई पोस्ट डाल रहा है भले उनका फोन पहले बंद रहता था, पर इफ दे आर ट्राइंग टू मेक अ चेंज, इफ दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्व्स, लेट देम चेंज। व्हाई डू यू जस्ट वांट टू पोक उंगलीज टू इट, मे बी दे आर ट्राइंग टू चेंज, लेट देम चेंज। मोर पीपल स्पीक अबाउट इट, मोर अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड एंड बेटर इट इज फॉर ऑल ऑफ अस एज अ सोसाइटी। इफ समवन इज ऑपोजिंग देम, दैट इज ओके टू, बिकॉज उनके साथ वो एक्सपीरियंस हुए हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, Do not fill the social media space with something which you don't genuinely believe in. Only post जो तुम genuinely connect करते हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम किसी का फोन उठा सकते हो तो ही पोस्ट करो, ठीक है? Because होगा क्या, किसी को तुम गलत होप दे रहे, और वो गलत होप है ना, it is harming them more than your post is helping them. So, एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, अगर तुम किसी को हेल्प कर सकते हो ना, तो स्टार्ट विद द इनर सर्कल। अगर तुम्हारे जो 5 लोग जिनको तुम इनर सर्कल में जानते हो, कॉल देम अप एंड आस्क इफ यू नीड एनी हेल्प, उनके साथ बात कर लोगे ना, इट इज मच मोर देन 1000 सोशल मीडिया पोस्ट दैट यू आर पोस्टिंग। दिस इज व्हाट यू ऑल कैन डू इफ यू वांट टू हेल्प योर फ्रेंड्स और इफ यू वांट टू हेल्प द सोसाइटी विद देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये आओ, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं? ओके, अच्छा लगा ना तो डोंट बॉदर, मैं आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। एक काम करना, अच्छे से खाना खाओ, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, अच्छे से नींद लो, यही सारी चीज़ें अपनी फैमिली से भी करवाओ, और फिर मेरा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर ही दो यार। और ये सारी चीज़ें ना मैं मेरे व्हाट्सएप पे भी करता हूँ, सो इफ यू वांट टू जॉइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी,
व्हाट्सएप मी एट +9180000001025। मिलता हूँ अगले वीडियो में।